मुंबई हाईवे पर कार्य कर रहे इंजीनियर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश गांव सचोली के समीप लूटपाट के इरादे से आए थे। जब इंजीनियर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे गुड़गांव के निजी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुंबई हाईवे पर गांव सचोली में पुल बनाने का कार्य चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला था पूरा? भौजी, मेरा नाम दीनू है, मैं एक्स सरपंच सांसली गांव का रहने वाला हूं। जी, जैसे हमें पता लगा रात में यहां जो मैनेजर था रोहित शर्मा, अब उसके साथ कोई लूटपाट करने के लिए आए थे कोई गाड़ियों में, और उसके गोली मार के वो लोग भागे। जब वो लोग भाग गए तो फिर हमें पता लगा, सुबह जब हम मौके पे जैसे आए तो देखा वहाँ पुलिस भी खड़ी थी जी। अब रोहित शर्मा की मैदानता में मौत हो चुकी है। ये कहाँ पर काम, क्या क्या काम चल रहा है आपके गांव के पास? ये बम्बई हाईवे का काम है सर, बम्बई हाईवे का काम चल रहा है। यहाँ पुल बन रहा था, उसके कार्य में लगे हुए थे। सांचोली के कब्रिस्तान के बिल्कुल नजदीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लूटपाट के इरादे से आए थे? लूटपाट के इरादे से आए थे, वो दो गाड़ियों में आए थे, चार पांच आदमियों ने बता रहे थे, चार पांच आदमी रोहित शर्मा को गोली मार के। तो यहाँ और किसी के साथ ही मारपीट करी है कुछ पता चला? और किसी के साथ नहीं, ये किसी ने उसी के साथ गोली मारी है और अपने निकल गए। तो उसकी मौत होगी? उसकी मौत होगी, उसके सुबह बता रहे मैदानता में जाकर के उसकी मौत हो चुकी है। रात को पांच चार आदमी आए जी, हमारे बॉम्बे हाईवे का काम चल रहा है जी, सांचोली के रकबे में जी, और उन्हें आके यहाँ लूटपाट के इरादे से आए पांच चार आदमी, और उन्हें हाथापाई करी जी, और रोहित शर्मा जो इंजीनियर है उसको गोली मार दी, और उसे घायल अवस्था में जब गुड़गांव हॉस्पिटल ले गए तो जी वो पता चला कि जी वो मर गए जी। तो इसमें कुछ पता चला गाड़ी में कौन कितने आए, कुछ पता चला कुछ? अभी तक तो जी कोई पता चला है नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सोना से संजय राघव की रिपोर्ट।